नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के मानस भवन में रीवा आयुर्वेदिक कॉलेज ने एक आयुष शिविर लगाया। इस शिविर के माध्यम से लोगों की जांच की गई, शुगर की जांच की गई, बीपी की जांच की गई, इसी के साथ तमाम रोगों की जांच भी की गई। आयुर्वेदिक कॉलेज का पूरा स्टाफ आज रीवा के मानस भवन में मौजूद था। मकसद था आम आदमी तक आयुर्वेद की पहुंच को बनाना। जिस तरीके से ये शिविर लगाया गया, यहाँ लोगों ने लाभ उठाया, इसका सीधा सा अर्थ है आयुर्वेद के बारे में लोग जानते तो हैं, आयुर्वेद का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। जिस तरीके से पिछले कोरोना काल में आयुर्वेद ने अपनी पैट हर घर तक बना ली थी, आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा एक बार फिर से चाहता है हम उसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं आयुर्वेद को लोग जानें, समझें। नियमित दिनचर्या, खान पान, व्यायाम आयुर्वेद की पहली शर्त। आयुर्वेद में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताते हैं जो घर के चारों तरफ आम तौर से घर के किचन में भी उपलब्ध होती है। उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, उसका लाभ किस तरीके से लेना है, हमारी प्राचीन परंपरा आयुर्वेद इसकी ओर साफ तौर से इशारा करती है। कई ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है। मानस भवन में तमाम लोगों ने आज आयुर्वेद का फ़ायदा उठाया। लोगों को ज़रूरत के हिसाब से दवाइयां दी गई, उनका उपचार करने की कोशिश की गई। हमने रीवा आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य दीपक कुलश्रेष्ठ और अधीक्षक निधि से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। ये आज आपने आयुष शिविर लगाया, किस तरीके के पेशेंट आप लोगों ने ज्यादा देखा, क्या था उद्देश्य? देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा उनके मार्गदर्शन में हमने आयुष मेले का आयोजन किया है और ये निरंतर क्रम में जारी है। इसमें हमने विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा परामर्श का इसमें उपलब्ध कराई है। साथ ही जैसे काय चिकित्सक हैं हमारे, पंचकर्म विशेषज्ञ हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं एवं अन्य भी चिकित्सक हैं। साथ ही हमने यहाँ निशुल्क रक्त परीक्षण भी रखा है और निशुल्क औषधि वितरण किया गया है। ज़्यादातर किस तरीके से पेशेंट रीवा में आपको देखने में नज़र आता है? देखिए, यदि मैं आज के परिदृश्य में बात करूं तो हमें अधिकतर पेशेंट तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ही मिल रहे हैं और विगत 10 से 15 वर्षों में इनमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जैसे चाहे हम ओबेसिटी की बात करें, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और जॉइंट पेन, जिसे हम आयुर्वेद में वात व्याधि में रखते हैं, इसके रोगी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है और उस पर हम काम कर भी रहे हैं। ये आज शिविर मानस भवन में, हाँ, ये हमारे आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से निर्देश प्राप्त हैं। सभी ब्लॉक स्तरीय मेले चल रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, पिछले एक हफ्ते से चल रहे हैं। तो उसमें रीवा में लगाने का जिम्मेदारी रीवा कॉलेज को दी गई थी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने एक आयुष मेला के नाम से, जिसमें कि हम लोगों ने कैंप रखा हुआ, निःशुल्क कैंप है, जिसमें अनेक बीमारियों की हमारे चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक बैठे हुए हैं। एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, इसमें आयुर्वेद की विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है। औषधि पौधे हम वितरण कर रहे हैं निःशुल्क, वो भी जिसको जो पौधे चाहिए तो वो पौधे भी हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। योग का प्रदर्शन किया गया है कि विभिन्न बीमारियों में किस प्रकार से योग का प्रदर्शन, योग के द्वारा हम उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आमतौर पर किस तरीके के मरीज आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं? ज़्यादातर आयुर्वेद में जो आते हैं वो जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग, स्किन की डिजीज और गठियाबाद, तो इस प्रकार के लोगों के ज़्यादा आते हैं इसलिए ज़्यादा।